गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज मैं कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए ई की मात्रा लेकर आई हूँ। आज हम ई की मात्रा पढ़ेंगे, ई से बने हुए कुछ शब्द और ई की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द। इसके लिए अब आप अपनी अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और पेज नंबर 16 निकालें। हो गया, सभी लोगों ने पेज नंबर 16 निकाल लिया। अब आप देखिए, यहाँ ई की और ई की मात्रा दी हुई है। ई इसे हम छोटी ई भी कहते हैं और हर्षे ई भी कहते हैं। तो आइए आज हम इनसे बने शब्द पढ़ेंगे। ई से इधर, ई से इनाम, ई से इन, ई से इस, ई से इरादा, ई से इनाम, ई से इलाज, ई से इलाका, ई से इशारा, ई से इतराना, ई से इतवार और ई से इमारत। आप इन शब्दों को अच्छे से दोहराएंगे, अच्छे से उच्चारण करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। फिर आप नीचे आइए, जिन शब्दों में ई वर्ण आया है उनमें रंग भरो और कॉपी में लिखो। नीचे कुछ बॉक्स बने हुए हैं, उन पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों में आपको उन पे रंग भरना है जो ई वर्ण से आया है, जिन शब्दों में ई वर्ण आया है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें ई वर्ण आया है, आप वहाँ रंग भरेंगे। फिर इनमें भी ई वर्ण आया है। फिर देखिए इतवार में भी ई वर्ण आया है। नई, यहाँ ई वर्ण नहीं आया है। नई में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई है, तो इसमें आप रंग नहीं भरेंगे। फिर ईशान में भी ई वर्ण नहीं आया है, बड़ी ई आई है, तो यहाँ भी आप रंग नहीं भरेंगे। फिर इनाम, वहाँ रंग भरेंगे, इधर में रंग भरेंगे। और इक में कौन सा वर्ण आया है, दीर्घई, मतलब बड़ी ई आई है, तो यहाँ भी आप रंग नहीं भरेंगे। तो कौन किन किन बॉक्स में आप रंग भरेंगे, इस, इन, इतवार, इनाम, इधर, और इन शब्दों को कॉपी में लिखेंगे। अब आप पेज नंबर 17 में आइए, पेज नंबर 17, जहां हम ई की मात्रा देखेंगे। अब हम ई की मात्रा से कुछ शब्द पढ़ेंगे। इसे हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं। कौन सी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो आज हम छोटी ई की मात्रा से कुछ शब्द पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ उन शब्दों को दोहराएंगे। चिड़िया, गिलास, हिरन, किताब, सिर, दिन, गिन, बिल, दिल, किधर, टिकट, किसान, विमान, छिलका, किसमिस, गिरगिट, झिलमिल, पिघलना, विटामिन। तो इन सब में कौन सी मात्रा का उपयोग किया गया है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से बने शब्द। तो अब आप इसे भी बोल बोल कर घर में अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब आप नीचे आइए अभ्यास में। अब चित्र का नाम ऊपर से, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, आप उन चित्रों के नाम लिखना, आपको क्या लिखना है, उन चित्रों के नाम लिखना। तो सबसे पहले किसका चित्र है, टिकट का, महात्मा गांधी बने हुए हैं ना, तो टिकट। दूसरा किसका चित्र है, किसान का, उसके हाथ में एक हल है, तो क्या है, किसका चित्र है, किसान। फिर विमान, किसमिस। अब आप पेज नंबर 18 में आइए। पेज नंबर 18 में एक कविता दिया हुआ है, इस कविता को आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। कविता का शीर्षक क्या है, कविता की शीर्षक है सितार बजा। निधि आई वह सितार लाई, ऋचा नाल लाई, मिहिर तबला लाया, विकास आ गाना गा, सितार बज उठा झन झन झन, नाल बजा ढम ढम ढम, तबला बजा ता धिनक धिन धिन, विवाह ताल पर नाच। अब आप नीचे आइए, एक अभ्यास दिया हुआ है, चित्र देखकर नाम लिखो। तो सबसे पहले किसका चित्र है, तबला का, तो अब आप क्या लिखेंगे वहां, तबला। फिर देखिए किसका चित्र है, गिटार का, तो आप क्या लिखेंगे, गिटार। फिर सितार का, सितार। अंत में किसका चित्र दिया हुआ है,
नाल का, तो आप क्या लिखेंगे वहां, नाल। अब आप पेज नंबर 19 में आइए। कौन क्या लाया, कौन क्या लाया, कविता में हमने पढ़ा ना कौन क्या क्या लेकर आया है, तो अब आपको उसी के अनुसार यहाँ पे लिखना है कौन क्या लाया। सबसे पहले किसका चित्र है, सितार का, तो सितार कौन लाया, सितार निधि लाई। फिर क्या है, तबला, नाल का, नाल कौन लाया, नाल रिचा लाई। उसके बाद क्या है, तबला, तबला कौन लाया, तबला मिहिर लाया। फिर आप आइए नीचे, कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं शब्दों को आज आपको फिर से लिखना है, सितार, गिटार, किताब, कविता। फिर एक गीत गाओ कविता है जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे। कहे लोमड़ी ना ना ना, ये घर पर ले जाना ना, इतने सेंक ना पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। देवेंद्र कुमार देव द्वारा लिखी हुई यह कविता है। तो ये पाठ हो गया। उसके बाद पाठ के अंत में मैं कुछ वर्तनी दे दे रही हूँ, ई और ई की मात्रा से बने हुए वर्तनी और कुछ प्रश्न उत्तर, इसे आप कॉपी में लिख लेंगे। ई तथा ई की मात्रा से शब्द लिखें, इसे इस, इनाम, इलाज, इलाका, इशारा, इतवार, इतराना। ई की मात्रा से बने शब्द हैं, दिन, बिल, टिकट, किसान, गिरगिट, झिलमिल, पिघलना। फिर मैंने कुछ प्रश्न उत्तर भी दिया है, उसे भी आप कॉपी में लिख लेंगे। निधि क्या लाई, निधि सितार लाई। रिचा क्या लाई, रिचा नाल लाई। मिहिर क्या लाया, मिहिर तबला लाया। तो आ गया सभी को समझ, आज के लिए बस इतना ही, इसे आप कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। तो मैं यहीं पे अपने पाठ को समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।